ये भाई बहुत लोगों की डिमांड थी कि क्रूज की एक सेपरेट वीडियो चाहिए, कारंस की जो 5,000 का लगाते हैं, 10-10,000 का भी लगा देते हैं भाई, कोरल बाग में एक ही रेट है भाई, 4,500 रुपये, आप आओ आप लगवा लो, कोई इशू नहीं। गाइज वेलकम टू मॉडिफिकेशन स्टूडियो। तो भाई ये किया कारंस प्रेस्टीज वाला वेरिएंट है, सर ने इसमें आफ्टर मार्केट वाली DRL डलवाई थी करोल बाग से ही। सर की कार आई है हमारे पास आज क्रूज कंट्रोल इंस्टॉलेशन के लिए, आप ये देख लीजिए। तो इसमें इस टाइप का स्विच आता है, बाकी मैं पूरी वीडियो भी डालूंगा, फोल्ड अनफोल्ड नहीं आता है, सिर्फ एडजस्टेबल आता है क्योंकि ये प्रेस्टीज वाला वेरियंट है। बाकी ये ब्रांड न्यू ही है भाई, कार पन्नी चढ़ी हुई है पूरी गाड़ी पे। ये भाई बहुत लोगों की डिमांड थी कि क्रूज़ की एक सेपरेट वीडियो चाहिए, कारंस की जो मैंने डाली नहीं है, सेल्टोस की मैंने डाली है। और भाई बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया है भाई, लोग कमेंट करते हैं कि हाँ बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो इसकी भी भाई मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, तो आप बने रहें भाई चैनल पर। भाई ये तो क्रूज़ है, इसकी MRP चेंज हो गई है 2235, ये पार्ट नंबर है भाई, किसी को चाहिए तो ऑर्डर भी कर सकता है, हमसे भी मंगवा सकता है, तो ये अप टू यू। बाकी हमारे पास प्रेस्टीज प्लस वाली हेडलाइट भी अवेलेबल है और इसके ओरिजिनल फॉग लैंप भी अवेलेबल है, बाकी मैं भी आपको बीच में वीडियो में दिखाता हूँ अभी। और तो चलो शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन। 2 पॉइंट वाली वायर है जो हम क्रूज के लिए इंस्टॉल करते हैं, तो पहले हम यहाँ से ओपन करेंगे। सारे प्लास्टिक वाले टूल हमारे पास हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ, सेम काफ़ी वीडियो में मैंने दिखाया है भी इसको कैसे ओपन करना है, तो भाई थोड़ा सेंसिटिव है तो बहुत ध्यान से ओपन करना पड़ेगा हर एक पार्ट को। तो ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा टूल किट है प्लास्टिक वाले टूल्स की, इन्हीं को यूज़ करके इसको पूरा ओपन करना है। तो भाई पहले हम इस पार्ट को ओपन करने वाले हैं, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो सजेशन रहेगा कि प्लास्टिक वाले पार्ट टूल का ही यूज़ करें, तो कुछ नहीं है, पहले ये वाला पार्ट आपको ओपन करना है, तो आप देख लीजिए साइड में आपको जहाँ पे भी इसमें जगह मिले तो ये इंसर्ट करके प्लास्टिक वाला पार्ट आपको निकालना है। तो भाई ये कुछ नहीं है, यहाँ पे एक साइड में आपको लॉक दिख जाएगा, पता नहीं कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लॉक दिख जाएगा, बस आपको घुसाना है तो ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर आ जाएगा। तो प्लास्टिक वाले हैं, आपको ऐसे लगाना है तो सारा का सारा धीरे धीरे हर एक चीज़ के लॉक को ओपन हो जाएगा। यहाँ से जैसे ये लॉक लगा हुआ था, आपको यहाँ से पुश करना है इसको बाहर की ओर, और धीरे धीरे प्लास्टिक वाला आप टूल ले लेना, तो इससे इजीली जो ना लॉक बाहर आ जाएंगे, धीरे धीरे आप यूज़ करें। और सजेशन रहेगा कि आप ना प्लास्टिक वाला टूल ही यूज़ करें, जैसे पुरानी वीडियो में दिखाया था कि पेचकस यूज़ करना है, यहाँ पर स्क्रैच आ जाता है तो फिर वो भद्दा लगता है, तो आप धीरे धीरे ऐसे ही इंसर्ट करते रहना, पूरा का पूरा फ्रेम ये आपका बाहर आ जाएगा। आपको करना हो तो आप ये आप देख लीजिए, कोई भी कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है, प्लास्टिक वाला टूल सब लॉक टू लॉक, ना कोई लॉक टूटा है ना कोई ऐसे। तो ये स्टैंडर्ड वे है भाई ओपन करने का। अब हम क्लस्टोमीटर ओपन करेंगे यहाँ से, इधर स्क्रू आपको दिख रहा है, पहले ये ओपन करना है, देन ये, देन इधर भी है सेम, तीन स्क्रू है, तीनों को सेम ऐसे ही ओपन करना है। तो भाई घर पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं इंस्टॉल कर सकते, बहुत ईजी वे है, आप ऑर्डर कर लो अमेजन के थ्रू एक टूल किट पूरी की पूरी, सेम प्लास्टिक वाली भी वायर ऑर्डर कर लो, देन 2 पॉइंट वाली वायर और क्रूज ऑर्डर करके आप घर पे भी लगा सकते हो। तो ये पूरा बाहर आ जाएगा जैसे मैंने बताया था, अभी ये ओपन होगा तो ये पूरा का पूरा बाहर निकल के आ जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे, साथ में हम क्रूज भी चेंज कर देंगे, जैसे पुरानी वीडियो में दिखाया था कि पहले क्रूज चेंज कर लेते हैं, ये मैंने आपको ओपन करना सिखा दिया, आप क्रूज चेंज करते हैं। पुरानी वाली वीडियो में भी जैसे दिखाया था, शायद फोकस भी हो रहा होगा, इधर करके आप ऑन करके एंटी क्लॉक वाइज इसका स्क्रू लूज कर लीजिए, सेम इस साइड पे भी है, सेम आपको लूज करना है, देन आपको एयरबैग ओपन करना है, सेम आपको अब एयरबैग के लिए रिमूव करना है, लीजिए यहाँ पे सेम एयरबैग का वो है, जैसे आप सेल्टोस में हैं सेम वैसे के वैसे ही है, आपको ओपन करना है, हॉर्न की आवाज़ आएगी, तो ओपन हो गया, देन आप स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए एक बार ओपन करने के लिए, बस ये पूरा का पूरा आपका बाहर आ जाएगा। तो
ऐसे ही भाई लेफ्ट साइड का भी आप ओपन कर लो, सेम स्क्रू ड्राइवर यूज कर लेना, देन हॉर्न पैड की आवाज आ जाएगी जैसे ही वो लूज हो जाएगा, और टाइट होगा तब भी हॉर्न पैड की आवाज आएगी। इसके बाद आप हॉर्न पैड निकाल लो, निकालने के बाद आपको एयरबैग अलग करना है इससे, सेम आपको यहाँ पे भी लॉक है, आप स्क्रू ड्राइवर से इसको पुश करके देन प्रेस कर दीजिए, देन ये भी बाहर आ जाएगा एयरबैग बाहर। अब आपको स्विच के स्क्रू चेंज करने हैं, तो सेम आपको चार यहाँ पे स्क्रू दिख रहे हैं, वन पोजीशन वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, ये फ्रेम का स्विच है, आपको स्विच चेंज करने के लिए इनको चेंज करना है, ओपन करना है, देन फ्रेम बाहर आएगा। मैंने पुरानी वीडियो में भी दिखाया था, कुछ नहीं करना, यहाँ से प्रेस करोगे आपका स्विच बाहर आ जाएगा, सेम प्रेस करना है इधर भी, यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेस करने का है, देन प्रेस किया स्विच बाहर, ये बाहर आ गया स्विच। अब आप स्विच चेंज कर सकते हो साथ में, उस साइड का ओपन मेरे को नहीं लगता उस साइड से स्विच निकालने की ज़रूरत, मतलब ये कपलर निकालने की ज़रूरत है, आप यहाँ से इसको स्विच को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तीन स्क्रू है जैसे देख रहे हो, वन टू थ्री, आप छोटे वाला पेचकस ले लो, चार मुंह वाला इजीली आप चेंज कर सकते हो। स्विच ओपन करके आप नया क्रूज़ का अपना स्विच डाल सकते हो। पर पूरा प्रोसेस ना 10 मिनट का है, बट वीडियो बन रही है तो हो सकता है 15 मिनट भी लग जाए, बट इसमें 10 मिनट से ऊपर का कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ से कवर खोला, स्क्रू खोला, ये बाहर तुरंत स्विच चेंज किया, बस अब वायर सेम ही पोजीशन में, दिखा देता हूँ, ब्लू के बगल में डालनी है, उधर भी ब्लू के बगल में स्पेस है, बस डालना है चल जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना, कुछ रॉकेट साइंस है। ये भाई पुराने वाला स्विच, ये अब किसी काम का नहीं, अब मैं आपको नए वाला स्विच भी दिखा देता हूँ। जी ये पार्ट नंबर आप ऑलरेडी देख लो, ये स्विच भाई कारण का, जो बहुत लोग 5-5 हज़ार का लगाते हैं, 10-10 हज़ार का भी लगा देते हैं भाई, करोल बाग में एक ही रेट है भाई, 4500 रुपये, आप आओ आप लगवा लो, कोई इशू नहीं। अब देख लो किया की ब्रांडिंग भी है, किया जेन्युइन हुंडई। अब सेम यहीं पे क्रूज इंस्टॉल करना है जैसे सेल्टोस में भी किया था, इधर पे आप इंस्टॉल करें, स्क्रू सेम टाइट करने हैं सभी के जैसे निकाले थे। तो यहाँ पे भाई क्रूज़ की इंस्टॉलेशन, इधर ये वाली स्विच की इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, आप सेम कपलर को आप इधर इंस्टॉल कर दो, लॉक सेम आपको स्क्रू जो चारों निकाले थे आपको वहीं पे टाइट करना है, पोजीशन भाई बिल्कुल सेम रहेगी एज इट इज़, जो जहाँ से निकाला आपको उधर ही लगाना है, कहीं पे अलग नहीं। भाई यहाँ पे स्क्रू टाइट हो चुका है, एयरबैग को वापस वहीं पे लगाना है भाई जहाँ से निकाला था, सेम कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं, स्विच लगाया, एयरबैग का कपलर आप वापस इंस्टॉल कर दो। भाई एयरबैग जैसे निकाला था वैसे इंस्टॉल करना है, आप स्क्रू ड्राइवर से दोबारा टाइट कर देना, देन फाइनल। अब मेरे को नहीं लगता इससे भी इजी कोई वीडियो हो सकती है, टाइट आवाज आ जाएगी, डन सेम इधर भी, इधर ये ओपन करना है, जैसे ये ओपन कर लोगे तो आप ये फ्री हो जाएगा, बस ये बाहर, तो ये पूरा का पूरा बाहर। अब क्लस्टोमीटर आ गया हमारे पास, क्लस्टोमीटर के आप स्क्रू देख रहे होगे यहाँ पे, अब मैं फोकस करके भी दिखा देता हूँ, तो ये वन देन टू देन थ्री देन ये फोर, उसमें बताया है सेल्टोस में ऊपर से ओपन हो जाता है, क्लस्टोमीटर आपका अलग हो गया, आपको वायरिंग यहाँ पे ब्लू वायर की पोजीशन है,
आपको यहाँ पे दिख रही है ब्लू वायर, इसी के बगल में आपको डालना है। ये ब्लू वायर है, इसी के बिल्कुल जस्ट बगल में आपको वायर इंसर्ट करनी है। आप ब्लू वायर देख रहे होगे इधर पे, तो ये ब्लू के बगल में जो वायर है भाई यहाँ पे इंसर्ट करना है, और ब्राउन देन ब्लू, ब्लू के बगल में आप वायर इंसर्ट कर लो। जैसे मैंने वायर पहले दिखाया था आपको, ये वायर है सेम डुपोंट वाली है, आप देख रहे हो। बस इंसर्ट करना है आपको, कुछ नहीं करना। पतली पिन वाला पेचकस ले लो आप। कपलर आपने रिमूव किया यहाँ से, इधर वाली साइड से भी आपने जैसे रिमूव किया आप इधर डाल दो सेम ऐसी पोजिशन, देन आप इंसर्ट कर दो वायर को, पूरे को इसको फ्री कर लो। यहाँ से ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, देन आप यहाँ पे वायर को इंसर्ट कर दो। देन पतली पिन का पेचकस ले लो ताकि अंदर तक पूरी ना पुश हो जाए। मैंने पतली पिन का पेचकस रखा हुआ है, कुछ नहीं करना, बस अंदर की ओर पुश करना है। वायर की पोजीशन आपने देखी ली तो आइडिया भी हो जाएगा आपको। पूरा आपको आवाज आ जाएगी, देन आपको कपलर को बंद कर देना है एज इट इज। जैसे बंद हो गया आप देख रहे हो, ओके प्लेसमेंट। देन सेम वायर अब नीचे की ओर आएगी, आपको नीचे वाले के लिए ये दो स्क्रू और एक नीचे की ओर स्क्रू है, ये ओपन करना है, नीचे वायर चली जाएगी। आपको ये दो स्क्रू दिख ही रहे होंगे, एक ये वाला स्क्रू है जिसको ओपन करना है नीचे वाले कवर के लिए, क्योंकि नीचे वायर जाएगी, और इधर भी। इस कवर को आपको बाहर निकालना है, आप इजीली ऐसे बाहर निकाल सकते हो। देन वायर ऊपर से नीचे जैसे हमने डाली थी यहाँ से आपको दिख जाएगी, स्पेस है इतना, आराम से आप वायर ले आइए। बहुत ज़्यादा लंबी वायर रखने की भी जरूरत नहीं, बट हम रखते हैं कि ठीक है थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा होनी चाहिए यहीं पे ही। देन ब्लू के बीच में स्पेस है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे आप सेल्टोस में भी डालते थे, यहाँ पे जगह है बीच में, इसी में आप डाल के यहाँ पे दिख रही है आपको ये ब्लैंक वाली, ये जो खाली वाला स्पेस है यहाँ पे आप वायर इंसर्ट कर देंगे। हमारी ब्लैक कलर की वायर है, तो मैं अभी साथ में दिखा भी दूंगा इंसर्ट करते हुए। वही सेम पतली पिन के पेचकस से आप कपलर के लॉक को रिमूव कर लीजिए, ये फ्री होके ऊपर की ओर आ जाएगा, यहाँ पे साइड में लॉक लगे हुए हैं। आपको इंस्टॉल करनी है जैसे उधर के साइड पे की थी। देन पतली पिन का पेचकस लेना है, हल्का सा पुश कर दो अंदर की ओर, वायर प्रॉपर अंदर इंसर्ट हो जाए। बस ऐसे लगा देना है, सेम आप क्लस्टोमीटर लगा के एक बार चेक कर लीजिए। आने से पहले एक बार पूरा पैक करने से पहले एक बार चेक किया, तो हमने क्रूज का जैसे ही आइकन प्रेस किया तो आप देख रहे हो लिमिट का आइकन वहाँ पे आ गया, तो क्रूज एक्टिवेटेड, तो आप देख भी रहे हो। ऑफ करना चाहो तो आप ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे ऑफ हो गया। देन दोबारा प्रेस किया तो देन लिमिट आ गई। बाकी यहाँ पे सब काम ही कर रहा है, आप देख रहे होगे सारे फंक्शन फाइल्स वगैरह, तो भाई ये वर्किंग है। बाकी आपको पूरा पैक करने के बाद आपको दिखाते हैं, सेम वही लॉक जहाँ से जो स्क्रू जहाँ से निकाले थे वो वहीं सेम इंस्टॉल करने हैं। अभी यहाँ पे पूरा पैक कर रहे हैं, आप देख लो यहाँ से कवर है, लॉक है, देन आप प्रेस कर दो, देन ये लॉक, देन इधर एक सेकेंड उधर नहीं बैठ रहा, ऊपर यहाँ पे लॉक, देन सेम यहाँ पे लॉक कर दिया था। तो अब ये वाला पार्ट जैसे निकाला था आपको लॉक साइड वैसे ही इंसर्ट करना है सेम। आपको लॉक की पोजीशन बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि जो जहाँ पे इंसर्ट हुआ था वो वहीं पे ही जाएगा, और कोई अदर प्लेसमेंट नहीं है। अगर हुआ तो थोड़ा सा भी क्रैक आ जाएगा उसमें। जैसे जैसे बंद होता जाएगा लॉक की आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी कि हाँ वो इंसर्ट हो रहा है लॉक में सेम। डन, यहाँ का स्क्रू टाइट करना है, देन कवर लगाना है, दैट्स इट। स्क्रू लगा देता हूँ, यहाँ पे जो स्क्रू निकाला था वही सेम यहाँ पे टाइट करना है। साइन ये कवर सेम जो निकाला था, कुछ नहीं है, सेम है, आप
यहाँ पे इंसर्ट कर दो, लॉक आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे। बस ये डन, आप रबड़ को वापस उसमें लगा दीजिए जैसे आपने निकाल ली थी। अब देख रहे हो बिल्कुल फिट फिनिश, हमने कोई किसी चीज़ से ना छेड़छाड़ की है ना कुछ किया है। आप इसको ऊपर करके देन लॉक कर, एज इट इज, ना किसी चीज़ को चेंज किया है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रेस किया है, वहाँ पे लिमिट आ रहा है, क्रूज ऑलरेडी ऑन, 30 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर काम करेगा, वो दिख रहा है वहाँ पे। डन पे 30 की स्पीड से जैसे ही गाड़ी ऊपर जाएगी, अभी 22, 23, 24, 25 की चल रही है, तो आप क्रूज को प्रेस करेंगे यहाँ पे, लॉन्ग प्रेस किया आपने 32, आप प्लस करते जाएंगे 33, 34, 35, मैं कोई पैर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप देख रहे हो किसी भी टाइप का, तो ये अपने आप ही चल रही है, आप देख लीजिए। आप गियर भी चेंज कर सकते हैं, देन गियर चेंज करने के बाद स्पीड लिमिट हट जाएगी, देन आप प्रेस का दोबारा प्लस वाला प्रेस कर दीजिए। भाई यहाँ पे मैंने स्पीड सेट की हुई है, तो आप देख रहे हो 66 की स्पीड पे ऑलरेडी चल रही है, तो आप देख रहे हो यहाँ से मैं प्लस भी कर सकता हूँ बढ़ाने के लिए, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उधर भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं घटाता जाऊँगा तो यहाँ पे भी डिक्रीज होती जाएगी। तो भाई ये ओवरऑल क्रूज की वर्किंग है, बाकी सर का भी फीडबैक ले लेते हैं। हाय सर। हाय, कैसा लगा सर ओवरऑल काम? बहुत बढ़िया लगा और बहुत ही अच्छा काम हुआ है और जी सर, भी कुछ नहीं लगा, 5-10 मिनट सिंपल था सर, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल थी, सिंपल और कहीं कोई क्रोज क्रांच, गाड़ी भी बिल्कुल सेम, सही बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसा ओपन किया वैसा ही है ना सर सारा। ओवरऑल क्या रेटिंग करोगे सर काम को? 10 में से 10 सर। थैंक यू सो मच भाई, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।